अब देखो यहाँ पे ये बंदा मर गया, ठीक है। फिर वापस से आता है और मेरे से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी पेटी लूटने दो, मैं चला जाऊंगा। और भाई मैं बंदे पे अंधा ट्रस्ट कर लेता हूँ। फिर ये देख लो भाई, ट्रस्ट करने का नतीजा। अब ये है सेकंड सिचुएशन, इसमें भी यही हुआ था। नीचे ये बंदा, मैं मतलब ऊपर था, ये आ गया। फिर इसको मैं बोला भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, और ये बोला नहीं नहीं मेरा यूट्यूब पे चैनल है स्मार्टी वाइटी कुछ करके, पता नहीं क्या बोला, ठीक है। मैं सोचा ठीक है यार, अगर यूट्यूबर है तो ट्रस्ट कर सकते हैं। और भाई ऊपर आया और मेरे को चाँप दिया, तो कैसे ट्रस्ट करेंगे यार। अब ये तीसरा सिचुएशन, यहाँ पे देखो ये शेख में बिना लूट किए बस ऐसे बैठा रहता है, और मैं अंदर घुसता हूँ तलवार लेके। और मैं सरप्राइज था कि ये बंदा फायर क्यों नहीं कर रहा है, ताकि मैं तलवार से उसकी गोलियाँ रोकूं। बट बंदा यहाँ पे हाथ में खंजर लेता है और खचाक खचाक से मेरे को चाँप देता है, और यहाँ पे अच्छा खासा 19 का माइनस लग गया भाई। बहुत ही यार क्या ही सिचुएशन था आज, मैं क्या बताऊँ। सही है यार, ये दुनिया ना अच्छे लोगों के लिए बनी ही नहीं है, बुरा सबको होना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बंदों को बोला दोनों के ऊपर आओगे तो मैं मार दूंगा, ऊपर आओगे तो मैं मार दूंगा। फिर भी यार ये बंदे क्या ही बताऊं, अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा। और भाई अब मैं किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता यार। मेरा मतलब लास्ट जो पिछला सीजन है ना, उसमें भी मेरे साथ कई बार ये सब चीज़ हो चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं ट्रस्ट करता हूँ। देखो पहले वाले बंदे का क्या सिचुएशन था, वहाँ पे एक हैकर था गेम में, ठीक है, WP करके, तो वो आके उछलने लगा और बोला कि भाई गेम में हैकर है, प्लीज मत मारना, गेम में हैकर है मत मारना, मैं अपना लूट लेके चला जाऊंगा। मैं सोचा ठीक है, लूट लेके चला जाएगा। अब उस टाइम हम लोग सर्कल के बाहर सर्वाइव कर रहे थे उसी हैकर की वजह से, तो ये बोला कि भाई मुझे 2 फर्स्ट एड दे दो ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। मैं सोचा ठीक है दे देता हूं। जैसे ही मैं बैग खोल के उसको फर्स्ट एड देने लगता हूं, बंदा ऊपर चढ़ता है, DBS से धड़ाम कर देता है यार। मैं सोचा खैर, इतना कसम से बुरा लगा था दिल से ना, क्या ही बताऊं। और मेरा ना इस ID में कल ही कॉन्कर हो जाता, कल रैंक चल रहा था 610 के आसपास। फिर जाके उस बंदे ने मेरे को यार धोखे से मार दिया। जब उसने मार दिया ना, तो मेरा दिल एक बार टूट गया, तो मैं दोबारा से खेला नहीं। फिर दूसरा मैच खेला एक, उसमें भी एक का माइनस हो गया, रोटेशन के टाइम पे मर गया। तो मैं सोचा यार क्या पता आगे चल के बड़ा वाला माइनस हो सकता है, इससे बढ़िया खेलो ही मत। और अभी आज मैं इस ID में फिर से खेला, फिर से जितना प्लस किया उतना ही माइनस खा गया, ठीक है। और अभी इस ID में रैंक चल रहा है 565 या 68 के आसपास, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसमें यार आज कॉन्कर लगा ही दूंगा, अगर दोबारा से माइनस नहीं हुआ तो। और दूसरी वाली ID में भाई यहाँ पे रैंक चल रहा होगा कुछ 1500 के आसपास, जिसको मैं सुबह से आज लॉगिन ही नहीं किया हूँ। उसमें भी ट्राई करूंगा कि आज ही कॉन्कर लगा दूं, अगर आज नहीं हुआ तो भाई कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से कर ही लूंगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं हमारे आज के गेम प्ले की तरफ। भाई आज का गेम प्ले इतना यार जबरदस्त है, इतना मजेदार है ना, अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको ना जरूर से मजा ही आएगा, ठीक है। मजे के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखिएगा। आप देखो यहाँ पे जैसी लैंडिंग होती है भाई, काफी सारे बंदे यहाँ पे हवा में रहते हैं। मैं सोचा एक आग को निपटा दिया जाए। बट भाई लूटते ही लूटते पूरा टाइम याद वेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे भाई नहीं मार पाया। फिर देखो नीचे और भी बंदे हैं। अब देखो यहाँ भाई मैं ढेर सारे किल्स इवेंट पे ही निकालने वाला हूँ, और लास्ट के चलते चलते भाई जो ही मैं किल्स निकाला हूँ पहले वो देखना। अब भैया यहाँ पे यार स्काई भैया को स्काई में भेज देते हैं, मतलब प्लेन से जाएंगे तो स्काई से ही जाएंगे ना, प्लेन में स्काई से ही जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाता है हमारा एक किल। अभी नीचे एक और बंदा रहता है, अब यहाँ पे मैं एकदम से सरप्राइज हो गया यार, मुझे लगा बंदा सीढ़ियों पे बैठा रहेगा, गेट खोल के मार दूंगा। बट भाई अचानक से बंदा ऊपर चढ़ता है, और यहाँ पे मरते मरते बची गया खैर। और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2 किल। अब यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ, तो भाई गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का होने ही वाला है। और अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको यार कुछ सर्वाइवल टिप्स वगैरह तो मैं देने ही वाला हूँ, जो कि वीडियो के सिचुएशन के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज यार वीडियो पूरा देखिएगा। और यार बंदे लाइक सब्सक्राइब बहुत ही कम कर रहे हैं यार, तो प्लीज यार आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, थोड़ा सा यार डिमोटिवेट हो जाता हूँ ऐसे मैं भी, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक वगैरह कर दिया करो यार, ठीक है। ये बार बार मैं हर एक वीडियो में अपने बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप लोग खुद अपने मन से सब्सक्राइब कर ही दोगे, और आप लोग करते नहीं हो तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो आप कर दो प्लीज। खैर यहाँ पे ये वाला बंदा बच ही जाता है। अब देखो सामने एक बंदा रहता है, और हम दोनों के बीच में यहाँ पे काफी ढेर सारा नेड और मोली का आदान प्रदान होता है। लेकिन अब नाम पढ़ो इसका, बंदा। तो यहाँ पे भाई मैंने जिंदा बंदा मारा है, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।
अब यहाँ पे भाई देख लो नेट से क्या ही बचा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा नेट फेंकता हूँ और भाई वो भी फेंकता है। और यहाँ पे मैं सोचा ठीक है फॉलबैक कर ही लिया जाए। अब भाई काफ़ी लंबी फाइट के बाद ये यहाँ पे पुश कर देता है और जिसको मैंने यहाँ पे काफ़ी गंदा वाला डैमेज किया। खैर मैं भी यहाँ पे डैमेज था बट सामने वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही डैमेज था। अब देखो मुझे यहाँ पे ऐसा साउंड आता है कि भाई ये बंदा अंदर घुस चुका है बट भाई ये बाहर ही रुक के हिल कर रहा था। फिर क्या उतरता हूँ मतलब कि जंप करता हूँ और इक्के को इधर पे किल करके मेरे अच्छे खासे 5 किल हो जाते हैं। तभी देखो इधर से पीछे से कुछ शॉट्स आए थे तो मैं सोचा ठीक है आके देखा जाए। तभी सामने बंदा भी रहता है और यहाँ भाई नेट मेरा यार थोड़ा सा रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो है जिसके चक्कर में यार बंदे का नेट पहले आता है फिर बंदा यहाँ पे अंधा पुश भी कर देता है और इसको मार के यहाँ पे अच्छे खासे अपने 6 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बोट रहता है, बोट को मार के यहाँ पे हमारे 7 किल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इवेंट पे एक और बंदा रहता है जो कि भाई यहाँ पे कुछ मूवमेंट देता नहीं तो भाई मैं इवेंट से निकल के चला आता हूँ थोड़ा सा शॉप वगैरह करके। अब जैसे ही आ गया आता हूँ यहाँ पे देखो एक बग्गी सॉरी बाइक वाला रहता है, मैं बग्गी पे हूँ और मेरे हाथ में है शॉटगन। फिर मैं यहाँ पे बग्गी से सबसे पहले सीट एक्सचेंज करता हूँ ठीक है, फिर उसके बाद गन एक्सचेंज करता हूँ, फिर जाके स्प्रे करता हूँ और इसको किल करके यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 8 किल हो जाते हैं। और आगे आने पे यहाँ पे मुझे एक बोट स्पॉट हो जाता है, बोट को मार के यहाँ पे अपने अच्छे खासे 9 किल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास अभी रिकॉल है तो कोई भी बंदा अगर स्प्रे वगैरह करेगा तो उससे फाइट हम लेंगे ही लेंगे और मार भी लेंगे। तभी ये भैया जी यहाँ पे स्प्रे करने की गलती कर बैठते हैं, फिर देखो इनको कैसे किल करेंगे। और मेरे हाथ में ऊपर से शॉटगन है, अब देखो इसको मारने जा ही रहा था तभी मुझे एक बोट स्पॉट होता है, मैं सोचा बोट फर्स्ट मतलब प्राण जाए पर बोट ना जाए। अब देखो भैया शॉटगन लेके डायरेक्ट पुश करता हूँ, पहले शॉटगन से भाई पहले शॉट से यहाँ पे कुछ हुआ नहीं इनको, फिर दोबारा से इनको मारता हूँ हो जाते हैं हमारे 11 किल ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मेरे पास अभी रिकॉल है बट भाई अब मैं किसी बंदे पे पुश करने नहीं जाता क्योंकि अगर मैं अभी मर गया तो मैं मुझे ना लूट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बिना मतलब का यार मैं कुछ करता नहीं। और यार यहाँ से काफ़ी ढेर सारे रोटेशंस जाते हैं और मैं सब पे स्प्रे लेता हूँ, तभी देखो सामने एक और बंदा आ जाता है। तो आप लोग ऐसा किया करो यार ठीक है, लास्ट में फाइट मत लिया करो जब 1-2 मिनट रहे और आपके पास अच्छा खासा लूट रहे, ये लास्ट के सर्कल में आपको काम आने वाला है। अब देखो सामने एक बंदा रहता है, मैं एक अंधा नेट करके मैं सोचा यहाँ पे ऊपर छत पे चढ़ जाया जाए यहाँ से बढ़िया एंगल बनेगा और मुझे लगा ये बंदा भी अभी छत पे चढ़ चुका होगा मेरे ऊपर एंगल बनाने के लिए, तो छत पे ही एक नेट करता हूँ जिससे कुछ होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बग्गी आती है, जो यहाँ पे सीन होगा ना कसम से यार कुछ ज़्यादा ही बुरा था। अब बंदे को यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था कि बंदा लिटरली 1 HP बचा होगा यार, बट वही बात है हेडशॉट नहीं कनेक्ट हुआ। फिर बंदा यहाँ पे यार मेरे को जब तक मेरे आंखों के सामने मतलब जब तक नजर आया जब तक आंख से ओझल नहीं हो गया तब तक मैं स्प्रे करता हूँ और यहाँ पर भाई बंदे को गोली कनेक्ट ही नहीं होती। खैर उसका किस्मत भी अच्छा था, वहाँ पर उसके बग्गी का हालत भी आप देख लो क्या हो चुका था। और हाँ अभी यहाँ पर जो सीन हुआ ना इसको किसी ने नहीं देखा ठीक है। तो ये यार हो जाते हैं मेरे से भी ऐसे स्प्रे मिस्टेक्स होता रहता है लगभग हर एक वीडियो में, नुबड़ा जो हूँ। अब जोन अपने से काफ़ी दूरी पे कट चुका था तो भाई हमें सर्कल में जाना ही था। अब भाई ये वाला बंदा तो यहाँ पे मेरे को मारने के लिए ही बैठा है, मेरे पास एमओ थोड़ा सा नहीं था तो इस पेटी को लूटता हूँ और भाई बग्गी उठा के यहाँ से निकलता हूँ। और मुझे पता था भाई ये बंदा मेरे पे स्प्रे लेगा ही लेगा, डर केवल इसी बात का था कि मेरे बग्गी का यहाँ पर टायर ना पंचर हो जाए, इतना अच्छा खासा मैच है मेरा बिना मतलब का ख़राब हो जाएगा। अब देख लो बंदा स्प्रे भी करता है बट भाई उससे कुछ नहीं होता, बच के निकल जाते हैं। अब आप लोग ने थोड़ा सा यार रोटेशन वगैरह भी देख लो। और यार मेरे ये अच्छी खराब जो भी ड्राइविंग है इसको भी देख लो। अब देखो सामने वाला जो ये कंपाउंड है ये खाली था, मुझे ऐसा लग रहा था और ये खाली भी था क्योंकि भाई लास्ट में ना ऐसे कंपाउंड्स खाली ही लगभग मिल जाते हैं और भाई अगर खाली भी नहीं होता तो किसी एक घर में आराम से होल्ड कर सकता था। तभी सामने एक बंदा स्पॉट होता है,
जो कि शायद पहले से काफी ज्यादा डैमेज था, इसको किल करके यहाँ पे हमारे 12 किल हो जाते हैं। अब देखो ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है जिसके पास रहता है स्नाइपर। भाई यहाँ पे इधर पे थोड़ा सा रिज ग्लिच भी था जिसकी वजह से भाई केवल एकाक गोली कनेक्ट हुई, बस हो गया। और ऊपर से भाई बंदे के पास स्नाइपर है तो ज्यादा यहाँ पे भाई एक्सपोज हो नहीं सकते थे, गलती कर नहीं सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पे अपना घर ही चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कोने पे हल्का सा सर्कल था तो यहीं पे आराम से बैठे रहते हैं। अब सामने से एक यहाँ पे आती है बग्गी, ठीक है। अब भाई जो कि यहाँ पे आगे ही आके रुक जाती है, मैं सोचा पहले इस पे नेटवर्क किया जाए, बड़ बंदा फटाक से भाई इस घर में आ जाता है बगल वाले में। तभी देखो राइट से भी एक बंदा का यहाँ पे फुटस्टेप आया और फिर उसके बाद एक बंदा और आ जाता है यहाँ पे कूप लेके। अब कूप वाले बंदे को दूसरा बंदा मार देता है। अब मेरे पास यहाँ पे शॉटगन था तो भाई एक दो मतलब शॉट फायर करता हूँ ताकि उसका एनिमेशन खत्म हो उसके तलवार का, और भाई उसको किल करके यहाँ पे मेरे अच्छे खासे 13 किल हो जाते हैं। अब देखो जो लेफ्ट में बंदा था जिसका फुटस्टेप आया था उसके चक्कर में भाई यहाँ पे भाई थोड़ा सा लेट हो जाता है जोन में सर्कल में जाने में, और फिर मैं सोचा अपनी बग्गी उठा के यहाँ से भागा जाए। और भाई उतने में देखा मेरी बग्गी का यहाँ पे टायर पंचर था, मैं सोचा कूप लेके निकला जाए, लेकिन तब तक भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। फर्स्ट एड भी लगाता हूँ लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और फिर यहाँ पे फिनिश ही हो जाता हूँ। और हाँ फिर यार देख लो मैच में कितना ज़्यादा कितना अच्छा खासा प्लस मिला है। और अगर आज का गेम प्ले और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।